नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस में दिग्गी की खिलाफत। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से देखिए दिग्विजय सिंह जो अपने बयानों से आज नहीं हमेशा से ही चर्चाओं में रहे हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें कह गए हैं कि अपनों से ही घिर गए हैं, और इस बार भी यदि देखा जाए तो कुछ ऐसी बातें लगातार सुनने और देखने को आई कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्यों अपनों के निशाने पर हैं दिग्गी। हम पूरी चर्चा पूरी बात इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2003 से मध्य प्रदेश के सत्ता में बेदखल होने के बाद से ही दिग्विजय सिंह पार्टी के हिंदू वोटरों को लगातार नाराज करते आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह सिर्फ एक विशेष वर्ग के वोटरों को खुश करने के लिए लगातार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने में लगे। वहीं दिग्विजय सिंह के गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर कांग्रेस का हिंदू वोटर लगातार खिसक रहा है। पिछले दिनों कश्मीर में धारा 370 फिर से लगाने की बात कर दिग्विजय सिंह ने पार्टी के बचे खुचे हिंदू वोटरों को भी नाराज कर दिया है। दिग्विजय सिंह के द्वारा बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताना माफी योग्य गलती नहीं थी, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की नियत से देश के शहीदों का अपमान था। दिल्ली राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों में इनके बेफिजूल की बयानबाजी भी है। दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी जैसे सम्मान सूचक शब्दों के साथ नाम लेना इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस घटना से भी पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें गोवा का प्रभारी बनाया, जहां पर विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी हम सरकार बनाने में नाकामयाब रहे। अब ये भी दिग्विजय सिंह के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का ही परिणाम था। इनके प्रभारी रहते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे कांग्रेस के वर्चस्व वाले राज्यों में भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अब ऐसे में दिग्गी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इनकी भूमिका की समीक्षा की जाए, और मध्य प्रदेश चुनाव में निर्दलीय विधायकों के जितवाने और कमलनाथ सरकार के अस्थिर करने और बाद में कांग्रेस सरकार को गिराने में इनकी भूमिका की जाँच की जानी चाहिए। इन सबके बावजूद भी इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, पद और राज्यसभा की सदस्यता दिया जाना वोटरों के मानसिकता पर गलत असर डाल रहा है। कांग्रेस पार्टी को लोग एक हिंदू विरोधी दल के तौर पर देखने लगे हैं। खबर भारत के लिए हृदेश धारवार की रिपोर्ट। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने एक पत्र लिखा दिग्विजय सिंह के बयानों के, बार बार बेतुका बयानों को पर लगाम लगाने के लिए। जल्द से जल्द उनको अब इन बयानों से दूर करना चाहिए और इनको रुकाना चाहिए। जिस तरह से ये ऑलरेडी पार्टी का बहुत नुकसान कर चुके, जैसे 370 का अभी फिलहाल जो चल रहा, ऐसे कई नेता हैं जो बेतुका बयान देते रहते, लेकिन फिलहाल जो अभी वर्तमान में 370 पे दिग्विजय सिंह जो बातें कर रहे हैं, बार बार ये बहुसंख्यक लोगों को, जो लोग ऑलरेडी जिस चीजों को स्वीकार कर चुके हैं, जो लोगों के हित में हो रहा है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, उन पे बयान करके इस तरह का बयान ठीक नहीं है। इसके लिए इनको रुकाना भी बहुत जरूरी हो गया। ऑलरेडी ये पार्टी का बहुत राज्यों में नुकसान कर चुके, जहां जहां प्रभारी थे, जहां के नेता हैं, अभी भी मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार जा चुकी इन सब गुटबाजियों की वजह से। गोवा इन्होंने आते हुए हाथ से निकाल दिया, यूपी की तो उन्होंने बड्डा ढाड़ कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया कि इस पे मैडम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पे ध्यान दे के कहीं ना कहीं इनके बयान को लगाम लगाने की आवश्यकता। यही बात पश्चिम बंगाल के चुनाव से उठ रही है कि इनके लिए भी क्यों इतना संगठन वो करा हुआ है। रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी का, तो दिग्विजय सिंह जी जमीनी स्तर के नेता हैं और कांग्रेस को ताकत देने के लिए मध्य प्रदेश में जो बन पड़ रहा है वो काम वो कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि विश्वबंधु राय जी कौन है मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, सुना है कि वो महाराष्ट्र के हैं। रहा प्रश्न दिग्विजय सिंह जी की जुबान पर ताला लगाने का, तो इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबको अधिकार है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने दिग्विजय सिंह जी पर लगाम लगाने के लिए कहा। मिस्टर बंटाधार पहले मध्य प्रदेश को तो बर्बाद कर ही चुके थे और अब ऐसा विश्वबंधु राय जी मानते हैं, और जो देखने में आता है कि वो लगातार जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे राय साहब को लगता है कि वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को कहा है कि वे इन पर लगाम लगाएं। तो देखिए जिस तरीके से ये पूरी लोगों को भी हम सुन रहे हैं, दिग्गजों को भी सुन रहे हैं, एक सवाल बड़ा ये है कि दिग्विजय सिंह
कि जो कमान हुआ करती थी एक वक्त था, और ऐसा नहीं है, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस वक्त पूरा क्रेडिट भी दिया गया था कि सरकार आई दिग्गी की वजह से आई, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिस तरह की बात वो करते हैं, जिस तरह के बयान वो देते हैं, अपनों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे बाहर कैसे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाए विश्वबंधु राय ने, कांग्रेस भले ही पहचानने से उन्हें मना कर दे कि हाँ सुना है महाराष्ट्र के, इतनी बातें कर ले, लेकिन सवाल तो उठाए। एआईसीसी के वो सदस्य हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, सोनिया गांधी को पत्र लिख रहे हैं, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि आप उन्हें नहीं जानते। और चलिए इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर हृदेश धारवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदेश जी, अपनों से घिरे नजर आ रहे हैं दिग्गी, और सबसे बड़ी बात अपने बयानों से भी, और इसलिए भी क्योंकि हम चाहे धारा 370 की बात करें, हम बाटला हाउस एनकाउंटर की बात कर लें, ओसामा की बात कर लें, ओसामा जी की बात कर लें, तो एक कहीं ना कहीं ये आरोप लगता उन पर आया है शुरू से कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए हिंदू वोटर जो हैं या हिंदू वर्ग जो है उनमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी हुई है और वो वोटर खिसके हैं। क्या ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है या रणनीति का हिस्सा रहा है या फिर उनकी फितरत ही है? हृदेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए हृदेश जी से तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात वही है कि आखिरकार उनके जो पहले बयान आए हैं, हम पिछले पीछे की तरफ जाएं, आपको ले जाएं, तो आप देखिए चाहे धारा 370 की बात हो, जैसा मैंने पहले भी कहा बाटला हाउस एनकाउंटर की बात हो, उसको फर्जी बता दिया था, ओसामा जी लगा देते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि एक विशेष वर्ग के लिए कांग्रेस का क्रेडिट हमेशा रहा है, उनके वोटर्स को साधने के लिए एक विशेष वर्ग को हमेशा तवज्जो कांग्रेस देती आई है, लेकिन आज वक्त बदल गया है, आज परिदृश्य बदल गया है, आज जनता बहुत समझदार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज सब एक भाईचारे के रूप में काम करते हैं, बात करते हैं, विकास की बात आजकल हो रही है, लेकिन अपनों से जब कोई घिरता है तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठना लाजमी है। एक बार फिर से हृदेश धारवाल जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदेश जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह अपनों से घिरते नजर आ रहे हैं, कई बयानबाजी उनकी ऐसी आए पहले भी, और लगातार कुछ ऐसा बोलते आए हैं कि विवादों में वो रहे हैं, ये कोई रणनीति थी, सोची समझी साजिश थी या उनकी फितरत का यह हिस्सा है? हृदेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? घर में खड़ा करना, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर खुद दिग्विजय सिंह की खिलाफत शुरू हो गई है। जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी थे विश्वबंधु राय, वो लगातार इस बात को उठाते आ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जब जब बोलते हैं तब तब पार्टी को नुकसान होता है, नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के लगातार जो बयान आते हैं उसमें कहा जा रहा है कि वो हिंदू विरोधी बयान लगातार देते हैं। एक पोस्टर भी जारी किया, पोस्टर का विवादित पोस्टर है, जिस पोस्टर में दिख रहा है कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह को टोपी पहनाई गई है और वे कब्र खोद रहे हैं, तो सामने पंजे का ताबूत रखा हुआ है जिसमें दिखा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जब जब बोलते हैं तब तक वे कांग्रेस की कब्र खोद रहे होते हैं। ये बयान एक बहुत गंभीर बयान है, इसको लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है कि दिग्विजय सिंह के बयान से क्या वाकई पार्टी को नुकसान होता है, क्या कांग्रेस पार्टी का जनाधार घटा है, क्या दिग्विजय सिंह के बयानों से हमेशा पार्टी को नुकसान हुआ है, तो ये पार्टी को भी चिंतन करने का विषय है। अब पार्टी के अंदर बगावत क्यों हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी भी जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी भी जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, यदि अगर उनकी पार्टी के व्यक्ति ने यदि पत्र लिखकर पत्राचार किया है और अपनी बात रखी है तो सोनिया गांधी को राहुल गांधी को स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, क्या ये उचित फोरम था पत्र लिखने का, पत्र वायरल करने का, यदि नहीं तो क्यों? बिल्कुल हृदय जी, इन सब बातों के पीछे एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विश्वबंधु राय ने ये पत्र लिखा है, ये आवाज उठाई है, उसके बाद कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं ये कौन है, हमने तो सुना है कि हाँ महाराष्ट्र के कोई हैं, जबकि वो एआईसीसी के सदस्य हैं, तो कांग्रेस इससे बच रही है या स्वीकारना नहीं चाहती क्योंकि घिरी तो अपनों से ही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और अभी भी मध्य प्रदेश कोटे से ही राज्यसभा सदस्य हैं, तो ऐसे में ये लाजमी है कि जो कांग्रेस के नेता हैं या लीडर्स हैं वे उनको बचाव करेंगे और बचाव करते दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफत जो हुई है कांग्रेस पार्टी में, तो इसकी वजह क्या है, क्या दिग्विजय सिंह के बयान से वाकई पार्टी को नुकसान हो रहा है?
अब रही बात विश्व हिंदू राय की, तो महाराष्ट्र कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में एआईसीसी के मेंबर हैं, यदि उनकी खिलाफत को पार्टी संज्ञान में लेती है तो या तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो विश्व हिंदू राय होते कौन है इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात रखने के लिए। यदि उनको कोई वाकई हुई आपत्ति है, सोनिया गांधी से मुलाकात करते, राहुल गांधी से मुलाकात करते, वहां जाकर उचित फोरम पे बात रखते। इस तरीके से पत्र लिखकर सोशल मीडिया में वायरल करना और दिग्विजय सिंह के ऊपर हमला बोलना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के जो इंटरनल मामला है इसको उजागर करता है। बिल्कुल, चलिए हृदय जी बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि क्यों अपनों से घिरे नजर आ रहे हैं दिग्गी, और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जो चर्चा चल रही है, विश्व हिंदू राय ने एक पोस्टर लिखा है, पोस्टर वो दिख रहा है, उसमें वो कब्र खोदते दिख रहे हैं दिग्गी, सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, क्यों ये आवाज उठाई जा रही है और लगातार जिस तरीके की बयानबाजी पहले भी सुनते आए हैं, क्या हुआ है ये कांग्रेस के अंदर, क्यों अपनों से घिरे हैं दिग्गी? जी भी तरह अपनों से नहीं घिरे हैं, वे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, और विश्व बंधु राय ने जो कहा है वे महाराष्ट्र के नेता हैं। यदि उन्हें कोई दिग्विजय सिंह से आपत्ति है तो वो सोनिया गांधी जी को पत्र लिख सकते हैं, एक आम कार्यकर्ता भी लिख सकता है, और जिस ढंग से राजनीतिक माहौल उस पत्र का बनाया जा रहा है उससे साबित हो रहा है कि वो पत्र उन्होंने लिखा नहीं है, लिखवाया गया है, और उसके पीछे कौन ताकत है पार्टी उसकी जांच करेगी, क्योंकि ये सीधी तौर पर अनुशासनहीनता का मामला है। बिल्कुल, अच्छा के मिश्रा जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस तरह से सवाल उठाना और दिग्विजय सिंह का जो एक छवि है, जो व्यक्तित्व है, और एक लंबा समय मध्य प्रदेश कांग्रेस का हम देखें और अभी भी हम अभी की बात करें, तो इतना होने के बाद भी जो चीजें आ रही हैं या उनके लिए जो पोस्टर आ रहा है, जो बातें उठाई जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये छोटे से नहीं है, नहीं लगता कि इससे उनकी छवि के साथ साथ पार्टी की हम यदि बात करें तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा, यदि विश्व बंधु राय एआईसीसी मेंबर है तो मैं भी एआईसीसी मेंबर हूँ, मगर मुझे अपने कद का एहसास है, मैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ करूँ किसी पत्र के माध्यम से, ये मेरा कद इजाजत नहीं देता है। और यदि विश्व बंधु राय बहुत बड़े नेता है तो महाराष्ट्र में तो नहीं बन पाई कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल, चलिए हृदय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हृदय जी, बात वही आ रही है कि आखिरकार वो जो भी है या उनका व्यक्तित्व है, उनकी बातें हैं, लेकिन इस तरह से उन्होंने यदि सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, वो लिख सकते हैं, स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है और के मिश्रा जी को भी लग रहा है कि ये उनने नहीं किया, ये कराया गया है। नहीं, यदि कराया गया है तो आखिर इनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस विश्व बंधु राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्र लिखेगी या उसकी मांग करेगी। निश्चित तौर पर एआईसीसी उस पर एक्शन लेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, 10 साल इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वो विभिन्न पदों पर रहे हैं, वो एक राष्ट्रीय कक्ष के नेता हैं, बिल्कुल पार्टी उस पर संज्ञान लेगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि उचित फोरम पे बात करनी चाहिए थी जो इन्हें पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया? मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उन्हें अपने कद का एहसास होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी जैसे कद्दावर नेता के कद के आगे वे कहाँ हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में एक बात तो है कि आखिरकार जो कुछ भी हो रहा है ये जांच का विषय भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए जब इस तरह की आवाज बुलंद की जाए और ऐसे चेहरे के लिए किया जाए जिसका बहुत बड़ा योगदान पार्टी के लिए रहा, सरकार बनाने में रहा, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल खड़ी हो सकती है आगे। अभी के मिश्रा जी क्या स्टैंड लेंगे इसके लिए? मुश्किल खड़ी दिग्विजय सिंह जी के लिए नहीं होगी, मुश्किल खड़ी विश्व बंधु राय के लिए होगी। चलिए बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। हृदय जी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुश्किल दिग्विजय सिंह के लिए नहीं है, लेकिन विश्व बंधु राय के लिए जरूर हो सकती है। चलिए, मुझे लगता है कि हृदय जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात है, देखिए इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं आखिरकार ये एक बहुत बड़ी बात बनकर सामने आया है। कांग्रेस ये तो एक्सेप्ट कर रही है कि यदि किसी को दिग्विजय सिंह से आपत्ति है या परेशानी है तो आप
लेटर लिखिए, एआईसीसी के सदस्य हैं आप, सोनिया गांधी को पत्र लिख सकते हैं, आपको आजादी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और विश्व बंधु राय कौन, और यदि इतना है तो पहले महाराष्ट्र में किसकी सरकार है ये भी तो देखिए, वहां की चीजों को आप पहले संभाल लीजिए, उसके बाद मध्य प्रदेश तक आइए और उसके बाद दिग्विजय सिंह तक आइए। तो लगातार दिग्गी को लेकर जितनी बातें आ रही हैं, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई अपनों से घिरे हैं या फिर घिरवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजू मालवी जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जिस तरीके से एक पोस्टर देखा, हमने भी देखा, कब्र खोदते नजर आ रहे हैं, पंजा वहां पर लगा हुआ है, दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं ऐसा बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से पहले कह दिया जाता था कि बंटाधार हैं, तो कहीं ना कहीं अपनों की गिरफ्त में वो दिख रहे हैं, अपनों से घिरे हुए दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये स्टैंड है कि ये विश्व बंधु राय ने नहीं किया, ये उनसे कराया जा रहा है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता के खिलाफ कांग्रेस के ही एक दूसरे नेता पत्र लिखते हैं, वो भी एआईसीसी के मेंबर हैं विश्व बंधु जी, और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ वो पत्र लिख रहे हैं, सोनिया गांधी को पत्र लिख रहे हैं, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी कहाँ आती है, हमारा क्या रोल है? भाई, दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो सारी दुनिया जानती थी, पहले वे मध्य प्रदेश में बंटाधार जाने जाते थे, लेकिन अब तो कांग्रेस के लोगों ने कहने लगे। तो ये तो कांग्रेस की जो पत्र मेरे भी देखने में आया, तो उसमें तथ्यात्मक रूप से उन्होंने विश्लेषण किया है और विश्लेषण करके सोनिया गांधी जी से मांग की है, तो ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं। हम तो दूर से उसको देख रहे हैं कि कांग्रेस की सिर्फ उतावल किस स्तर तक की है, लेकिन आप उसमें ये देखिए कि के मिश्रा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करा है, बड़ा आश्चर्य होता है, क्या विश्व बंधु जी दूध पीते बच्चे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कोई बात करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है, आपके दल में जो चल रहा है वो आप जानो, आपके नेता जो करें वो आप जानो, लेकिन घोषित रूप से जो व्यक्ति आतंकवादियों को अगर सम्मान से बुलाएगा, जो विभिन्न तरह के चुनावों में जिस तरह उनकी भूमिका, जो जिस तरह का विश्लेषण, जो जो बिंदु उन्होंने उठाए, मुझे लगता है ये सारी चीजों की बात उनके घर की बात है और उन्होंने अपने घर के लिए ही अपने वरिष्ठ से बात की है। अब क्यों वायरल हुआ मीडिया पे, कहां से वायरल, कांग्रेस में तरह से पत्र वायरल होते रहते हैं, बीच में अरुण यादव जी का भी एक पत्र वायरल हुआ था, बीच में कमलनाथ जी का भी एक पत्र वायरल हुआ था, तो ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। अब इसे आप आंतरिक लोकतंत्र कह लें या किसी के कहने पर कह लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है कि मैं आदरणीय के मिश्रा जी को कहूंगी कि अपने घर को ठीक करिए, अपने घर को आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा राजू मालवी जी, एक बात है, पुराने हम थोड़ा पीछे जाएं तो चाहे हम धारा 370 को फिर से लाने की बात कर ले, या बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने की बात कर ले, ओसामा को ओसामा जी कर ले, तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं तो उन्होंने दी थी और निश्चित तौर पर एक विवाद भी इन तमाम चीजों को लेकर हुआ था। क्या लगता है आपको कि दिग्विजय सिंह इस तरह के बयानबाजी या इस तरह की बातें करते हैं वो उनके नेचर में ही है, या फिर वाकई में एक विशेष वर्ग को खुश करना है उनको? देखिए, मुझे लगता है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कह सकते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के प्रति जो उनकी आत्मीयता है, जो उनका प्रेम है, वो आतंकवादियों के साथ भी बड़ी आत्मीयता है, तो ये जो चीजें हैं ये तो स्पष्ट रूप से झलकती हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं उसी से तो आपके ऑरा का पता चलता है ना। पर आपको पता है क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, उससे आपकी टीआरपी बढ़ सकती है, लेकिन आपके लोग तो ये महसूस कर रहे हैं ना कि आप अपने दल की ही कब्र खोदने में लगे हैं। बिल्कुल। चलिए राजू मालवी जी, बहुत शुक्रिया खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात है कि लगातार जिस तरीके से ये बातें आ रही हैं और अब अपनों से घिरते वो नजर आ रहे हैं, अब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो क्या है, और अब जांच कराने की बात भी हो रही है। एआईसीसी के सदस्य ने पत्र लिखा है, वो स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने करवाया है, इसके पीछे क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो बातें आप कह रहे हैं या कर रहे हैं, करवाने की बात कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह है कि अपना घर देखे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में ना खींचे।
चलिए तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या वाकई में दिग्विजय सिंह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अपने बयानों से ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विश्व बंधु राय ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं और गंभीरता से सोचने का एक विषय भी है। चलिए और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ एआईसीसी के सदस्य विश्व बंधु राय जी जुड़ गए हैं। विश्व बंधु राय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपने पत्र भी लिखा है, आपने ये बात भी उठाई है, कांग्रेस को ये लग रहा है कि आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र की स्थितियों को पहले देख लीजिए, उसके बाद मध्य प्रदेश पे आइए, और ये आपने नहीं किया, ये आपसे कोई करवा रहा है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। आपसे कुछ देर पहले के मिश्रा जी से मेरी बात हुई। वो मूर्ख है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो मूर्ख है। तो सिर्फ हेलो दिग्विजय सिंह की जी सिर्फ मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, देश के कांग्रेस के नेता है वो, और उसके वो अगर वो कुछ गलती कर दे तो पूरे देश में मैसेज जाता है, या उनके गलत बयानों से भी देश में मैसेज जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्षता जी को बताना जरूरी है। बिल्कुल, क्या लगता है आगे क्या होगा? एक लंबा वक्त हो गया इसे देखते हुए। देखिए, बयानबाजी हमने भी सुनी है उनकी, चाहे पुरानी बयानबाजी की बात हो या वो जब भी कहते आए हैं करते आए हैं, वोटर्स को कुछ कहने की बात हो, ये तमाम चीजें हम देखते सुनते आए हैं। आपको यदि ऐसा लगा है कि इन सब वजह से गर्त में जा रही है कांग्रेस, लेकिन देखे ना, पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार आई थी पूरा क्रेडिट उनको दिया गया था कि एक बड़ा मैनेजमेंट लेके वो चलते हैं, बहुत अच्छा वो समन्वय बिठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि गर्त में जा रही है कांग्रेस? विश्वबंधु जी, मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। जी, मेरा सवाल सुना आपने? नहीं, ऐसा है कि ये तो दिख रहा है ना कि कितना नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, किस स्थिति में कांग्रेस जा रही है। हमारे पास की मेहनत करने के बाद में वर्करों को निकल के नहीं आ रही है, बड़े पद पे कौन रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं, नेता रहे हैं, उन नेताओं को छूट रहे हैं, कार्यकर्ता है, हम लोग पसीना बहाते तब जाके 10 झंडा लगाते तब जाके पार्टी खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक है, क्या लगता है सोनिया गांधी को पत्र लिखा आपने, क्या उसका कोई जवाब आया है, या आगे जिस तरीके से आपने इस बात को रखा है आपको लग रहा है कि कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होगी? हम जवाब का इंतजार नहीं करते, हमने सूचित करने का काम किया, हर चीज को समझने का बताने की कोशिश की है कि नीचे स्तर पे क्या हो रहा है और लोगों में क्या मैसेज जा रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का समझेंगे नहीं, हमारी कमजोरी क्या उसको दूर नहीं करेंगे तो कमजोर होते ही चले जाएंगे, और लोग यही कहेंगे कि ये बीजेपी करवा रहे, बीजेपी करा रहे। हमको अपना खुद कमजोरी को पहले समझना है, बीजेपी को बाद में समझना। हमको अपना जो बिजनेस है उसको संभालना है। बिल्कुल, चलिए, क्या लगता है अभी जितनी स्थितियां बनी हुई हैं या जो स्थितियां कांग्रेस की हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो आपने क्योंकि कह ही दिया है, एक पोस्टर भी आपने जारी किया है और निश्चित तौर पर यह बताने समझाने का सूचित करने का प्रयास किया है कि कांग्रेस की जो स्थिति हुई है वो दिग्विजय सिंह की वजह से हुई है। क्या लगता है कि क्या ये बदलाव अब कर देना चाहिए या होगा? इस स्टैंड के बाद कोई बदलाव की उम्मीद आप करते हैं? ये मैडम ये अकेले नहीं है, ये तो सिर्फ अभी एक नाम निकला, ऐसे कई नेता हैं जो 8-10 नेता हैं जो पार्टी को इस तरह की नुकसान, ये तो मैंने अभी एक को नाम दिया, एक साथ में 10 का नाम नहीं डाल सकता हूँ, फिर दूसरे का दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से डालूंगा कि ये लोग इनको संभालो। मैं जब तक नए युवा नहीं आएंगे, नए फ्रेंड्स लोग नहीं आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। पानी में भी फिल्टर होता है, फिल्टर करना पड़ता है पानी को, कभी गंदगी बाहर निकलती है। बिल्कुल ठीक बात। चलिए, बहुत शुक्रिया विश्वबंधु राय जी खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात बहुत साफ है और वो उन्होंने कहा है कि ऐसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है,
ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं कांग्रेस में जिनकी वजह से कांग्रेस की यह स्थिति हुई है। आज इस विषय पर उनकी बयानबाजियों की वजह से एक पूरा आकलन करके उन्होंने तमाम चीजें दी हैं कि दिग्विजय सिंह की वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं, कांग्रेस गर्त में जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कुछ और नाम भी सामने आएंगे और वो उन नामों का खुलासा करेंगे। तो आखिरकार क्या होगा? बात वही है कि कांग्रेस में दिग्गी की खिलाफत, इसके अलावा और कौन से वो नाम है, क्या वो भी जल्दी से विश्व बंधु राय सामने रखेंगे, ये देखना आने वाले समय में बिल्कुल दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।